क्या जीवन जीने के लिए कोई नियम पुस्तिका है? हमारे जीवन के सभी बाहरी पहलुओं को हम वैज्ञानिक ढंग से सभी तरह की तकनीकें इस्तेमाल करते हुए संभालते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंतरिक खुशहाली को भी वैज्ञानिक ढंग से खुशहाली की तकनीकें से इस्तेमाल करते हुए संभाले। बहुत लंबे समय तक लोग ऐसा सोचते थे कि हमारी आंतरिक खुशहाली को हम विश्वास के जरिए दार्शनिक बातों से, विचारधाराओं से और या अंधविश्वासों के सहारे संभाल सकते हैं, पर अब समय आ गया है कि हम अपने आंतरिक रूप को भी वैज्ञानिक ढंग से तकनीकें इस्तेमाल करते हुए संभालें। जब हम बदलाव के साधनों की बात करते हैं तो उनके लिए बहुत से तरीके हैं। सभी मानवीय अनुभव, चाहे वो शांति हो, चाहे शांत चित्तता, अशांति, दबाव, चिंता, दुख, आनंद, सुख, उल्लास या पीड़ा हो, मानवीय अनुभव चाहे जो भी हो, उनका एक रासायनिक आधार होता है। तो इनको संभालने का एक तरीका ये है कि आप बाहर से रसायनों को अंदर डालें। ये आजकल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। कोई स्वस्थ होने के लिए रसायन लेता है, शांति के लिए अलग तरह के रसायन है, आनंद के लिए किसी और तरह के रसायन है। पर हम भूल जाते हैं कि इस धरती पर सबसे ज्यादा जटिल रासायनिक कारखाना मनुष्य का शरीर ही है। अगर हम इसको सही ढंग से संभालते हैं और अगर आप अपने ही रासायनिक कारखाने के सीईओ बन जाते हैं तो आप इस कारखाने को आनंदमय रख सकते हैं। जब आप अपने आप में आनंदमय होते हैं तो आपको पीड़ा का डर नहीं लगेगा। जब आपको पीड़ा का कोई डर ही नहीं होगा तभी आप अपने जीवन की पूरी गहराई और उसके सभी आयामों की खोज कर सकते हैं। नहीं तो आप एक बहुत ही नपातुला जीवन जिएंगे।